साल की शुरुआत हो चुकी है और नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट समिति ने निकाल दी है अपनी वैकेंसी 2022 के लिए। नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उनकी वेबसाइट पे आ चुकी है। रेगुलर बेस की वैकेंसी है जो 1925 पोस्ट है, 1925 पोस्ट है कंट्री वाइज। तो इतने सारे बड़े पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जो कि रिलीज कर दी जा चुकी है। ये 14 जनवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी आ गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव की 21-22 की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेलेक्शन ऑफिसर, सॉरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, और उसके बाद इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, रीजनल ऑफिस और जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी, जो कि अलग अलग वेरियस कैडर की पोस्ट के लिए आ चुकी है। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे देखिए मेंशन है। टोटल वैकेंसी है यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर स्टाफ, ये टोटल जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी है टोटल मिला करके 1900 समथिंग की वैकेंसी है, जिसमें कि बहुत बड़ी वैकेंसी है और जो कि पे लेवल है और अपर एज लिमिट है। आपको इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट से, जिसमें कि डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पे स्केल। और ये रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, तो बिना सोचे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि सारी रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं है। और 2022 की ये सबसे पहली वैकेंसी है जो नवोदय विद्यालय ने निकाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मोड ऑफ सेलेक्शन है कि आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन सी सिटीज़ जो है जहाँ पर आपका सेंटर होगा एग्ज़ाम का, तो इन सारी सिटीज़ में आप कहीं भी अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है। आगे बात कर लेते हैं मोड ऑफ द टेस्ट है, जो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे, जिसमें कि पहला असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके लिए कि आपका 4 पार्ट में एग्जाम होगा। टोटल जो होंगे क्वेश्चन आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 100-150 टोटल क्वेश्चंस होंगे अलग अलग। और यहाँ पर अगेन असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन का जो है उनके लिए भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का ही टेस्ट होगा। और यहाँ पर 120 मार्क्स है स्टाफ नर्स के लिए, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा। अगेन सीबीटी के लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर है, जिसके लिए 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो एग्ज़ाम के बाद होगा। और यहाँ पे पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर की 130 मार्क्स की का एग्ज़ाम होगा, 130 क्वेश्चन के लिए। केटरिंग असिस्टेंट के लिए 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन वाला टेस्ट होगा। और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 130 मार्क्स की 130 क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे। तो ये सारे जो पोस्ट हैं, मैं बता दूँ, ये सारे नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है, ये अभी टीचिंग पोस्ट की नहीं आई है, बहुत ही जल्द टीचिंग पोस्ट की भी आएगी। पहले ये नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके, navodaya.gov.in पर जाके, और किसी अदर मोड से आपका अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको NVS की वेबसाइट जो है www.navodaya.gov.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक अप्लाई करने से पहले आपका एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जिस पे जाके आप अप्लाई करेंगे, जिसका यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो कमिश्नर के लिए
1500 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 है, बाकी सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 1000 है, और लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपीज़ की एग्जाम फी है। और जैसा कि आपको पता होता है कि यहाँ पे जो नवोदय विद्यालय में होता है फीस में छूट होती है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है मैं आपको आगे बता देती हूँ कौन कौन से इस कैंडिडेट जो है इस फीस से फ्री हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 12 जनवरी से, जो कि ओपन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी 10 फरवरी तक डेट है। तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और फी डिपॉजिट ओपन होगा 12th ऑफ जनवरी से सेम डे, और फी क्लोज हो जाएगा 10 फरवरी को ही सेम डे में। और टेंटेटिव डेट जो है एग्जाम की वो आपकी है 9 मार्च से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम करवा दी जाएगी। तो काफ़ी जल्दी एग्जाम हो जाएगा आपका, और आप चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट पेपर आपका बिलिंगुअल होगा, और सॉरी मैंने कहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट इस बार यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स जो है डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर है। टेस्ट पेपर बिलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऑप्शन रहेगा, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सिर्फ सबमिट करना है, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है। और आपको जो अगर एक्स सर्विस मैन है उसके लिए ये अटैच किया गया लेटर, वो आप चाहे तो कर सकते हैं। और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट है, EWS के लिए SC ST सर्टिफिकेट है। तो ये सारा आप यूज़ करते हुए आपको अप्लाई करना है, अगर आप EWS है और या फिर SC ST के लिए है तो। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, तो आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको इसकी डेट बता दूं कि जो आपका ये डेट है, आपका 12th ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने का, जो कि चलेगा आपका 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप हो सके अप्लाई कर लें, अगर आपको अप्लाई करना है तो। अलग अलग पोस्ट है, और सारे नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। अभी टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी नहीं आई है, बहुत ही जल्द वो भी आ जाएगी। तब तक के लिए जो लोग, आप लोग अगर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। तो ये थी जो वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी, सबसे बड़ी बात है रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, और काफ़ी अच्छी सैलरी स्केल होती है नवोदय विद्यालय की, जैसा आपको पता है, और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है नवोदय विद्यालय की। तो टीचर्स को के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, सबके लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सैलरी आप देख सकते हैं कि सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा है, और एज लिमिट भी काफ़ी दी हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए 18-30 ईयर्स की एज लिमिट है, मेस हेल्पर के लिए 18-30 है, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अप टू 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और यहाँ पे CBT मोड जो है ना, वो आपका जैसे लास्ट टाइम भी नवोदय विद्यालय ने ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम लिया था, तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इनकी जो एग्जाम होगी सिर्फ एक ही सेंटर पे होगी, जो दिल्ली NCR में होगी। बाकी जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग सिटीज़ दिए हुए हैं, जहाँ पर आप अपना अपने जो भी नियरेस्ट सिटी है आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप पहुँच सके। और ये मार्च में एग्ज़ाम करवा दी जाएगी, तो बहुत ही कम टाइम है, आप चाहे तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। और अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, अगेन मैं वेबसाइट बता दूं, वेबसाइट है www. यहाँ पे देखिए, वेबसाइट में आपको एक बार फिर से फ्लैश करा देती हूँ, जिससे आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो, और आप चाहे तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके navodaya.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और बहुत ही जल्दी टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी आने वाली है, और केंद्रीय विद्यालय भी बहुत ही जल्दी अपनी वैकेंसी निकालने वाला है,
ऐसा मैं सोर्सेज के थ्रू बता रही हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें जिससे कि बहुत ही जल्द जब भी आपकी वैकेंसी आए तो आपको टाइम कम मिलता है। वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपके लिए उस समय बहुत ही आसान हो जाएगा, आप जस्ट रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि टाइम आप देख रहे हैं कि जैसे ये वैकेंसी अभी जनवरी में निकाली गई है, और जनवरी हाफ ऑफ द जनवरी में, और मार्च की बिगनिंग में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जा रहा है, तो समय बहुत ही कम दिया जाता है जो एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन के बीच का। तो अभी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।